हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली सोजत रोड आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को निकटवर्ती गांव पाचुंडा खुर्द के राम स्नेही राम द्वारा और मुक्तिधाम परिसर में 175 विभिन्न किस्मों के नीम, पेपल, रेन, टेरी, गुलमोहर और शीशम इत्यादि प्रकार के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में श्री केवल राम स्नेही राम द्वारा के महंत चंद्राम महाराज ने पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा लगाते हुए संदेश दिया कि प्रकृति इन दिनों अमृत रूपी वर्षा बरसा रही है, आकाश वायु और धरती रूपी पर्यावरण का शुद्धिकरण हो रहा है। आप भी पर्यावरण को शुद्ध सुंदर मनमोहक और जीवनदायक बनाने के लिए पेड़ पौधे जरूर लगाएं। आप अपनों को पेड़ लगाकर अमृत रूपी शुद्ध पर्यावरण जरूर दें। ये उपहार आपकी आने वाली पीढ़ी को हजारों बीमारियों से दूर रखेगा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो कोई वृक्षों के पौधों को रोपण करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। मिशन में युक्तिका वेलफेयर फाउंडेशन की सहायता भी ले सकते हैं, वो आपको पौधे निश्चित उपलब्ध करा रहे हैं। पेड़ लगाकर अपना जीवन सफल बनाएं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में श्री चंद्राम महाराज युक्तिका वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन जेठाराम गहलोत, फाउंडेशन के निदेशक हंसराज गहलोत, फाउंडेशन की संरक्षिका मांगी देवी नेमाराम गहलोत, फाउंडेशन के समन्वयक श्याम शर्मा, ग्राम सरपंच सुमन कुंवर, केसाराम माली, दलपन सिंह, शिवाराम माली, नरपत सिंह, गंगाराम देवाराम, चौकीदार मोहनलाल देवासी, पीराराम पुखराम देवासी, श्रवण कुमार प्रजापति सहित ग्रामवासियों ने भाग लिया। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।